प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज महाराष्ट्र दौरा है। महाराष्ट्र दौरे के दौरान वो मुंबई के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, उसके बाद पालघर आएंगे और पालघर में पोर्ट की आधारशिला रखेंगे। लेकिन जिस प्रकार से मुंबई में विरोध हो रहा है, कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात के लिए माफी मांगे कि सिंधुदुर्ग में 8 महीने पहले उन्होंने जिस मूर्ति का अनावरण किया था छत्रपति शिवाजी महाराज की, वो मूर्ति 8 महीने में गिर गई, इसको लेकर कांग्रेस विरोध कर रही है। चूंकि ये विरोध पालघर में भी हो सकता है और पालघर में ऐसा कोई विरोध ना हो या फिर कोई कार्यकर्ता या कोई व्यक्ति काले कपड़े दिखाकर विरोध ना करे, इसीलिए जो लोग काले कपड़े पहनकर कार्यक्रम स्थल पर जा रहे हैं उन लोगों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। अंदर जाना चाहते थे, नहीं जाने दिया। अब क्या बोलूं? क्या बोले? ब्लैक अलाउड नहीं है। कितने कहाँ से आ रहे हो आप? उरण से। इतना दूर से चल के आए और निराशा हाथ लगी, ब्लैक शर्ट अलाउड नहीं किया। अभी एक दिन पहले उन्हें बताना चाहिए था, अभी बताए नहीं तो गलती का हमारी है कि उनके यहाँ अभी बताओ। ब्लैक शर्ट पहनकर आए तो इन्हें कोई जानकारी नहीं थी। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं जो कि ब्लैक कपड़ा पहनकर आए। काला कपड़ा पहन के नहीं जाने दिया? हाँ, नहीं, नो प्रॉब्लम, इट इज देयर प्रोटोकॉल, कोई बात नहीं। हम नाराज नहीं है, हम इस गवर्नमेंट से, इस सरकार से हम नाराज नहीं है। मोदी साहब सचमुच एक अच्छा काम कर रहे हैं, देश के प्रति एक अच्छा काम कर रहे हैं। हर एक रोजगार, हर एक बंदे को, इस गांव के बंदे को रोजगार मिलने वाला है। फिर वो बंदा ड्राइवर हो या फार्मर हो, तो ये जो उन्होंने स्टेप्स लिया है पार्किंग प्लाजा के बारे में, इससे सचमुच देश की तरक्की होगी और देश एक अलग मोड पे जाएगा। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो नई नई बातें हैं, नई चीज़ें हैं, वो भारत देश से बाहर जाएंगी, बाहर की जो प्रोडक्ट है अंदर आएंगे। कहाँ से आए आप लोग? हाँ, मैं पुणे महाराष्ट्र से आया हूँ। इतना दूर से आप लोग आए? हाँ। ये ठीक इस बैनर के ठीक पीछे पीएम मोदी का कार्यक्रम है। हाँ, हाँ। दुख हो रहा है कि यहाँ तक पहुँच के आप अंदर नहीं जा पाए पीएम मोदी को सुनने? नहीं, कोई बात नहीं, हम नाराज नहीं है, हम दुखी नहीं है, क्योंकि ये जो इसी तरह की भीड़ हमने कांग्रेस के काल में, जब श्रीमती हमारे जो पीएम थे इंदिरा गांधी जी, वो पुणे में आते थे, इसी तरह की सेम ऐसी भीड़ होती थी। तो इस तरह से हमारे मोदी साहब देश के प्रति एक अच्छा प्रोग्राम, एक अच्छा काम कर रहे हैं, तो वेरी नाइस। आप भी देखने आए थे पीएम मोदी को, ब्लैक ड्रेस पहन के आ गई आप? हाँ, मुझे पता नहीं था कि ब्लैक ड्रेस पहन के नहीं आना है, लेकिन मुझे दुख जरूर हो रहा है कि इधर तक आके मुझे वैसे ही वापस जाना पड़ रहा है। देखिए, कहने की एक इच्छा थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखें, सुने, दूर से आए थे, अंदाजा नहीं था कि ऐसा कोई नियम प्रोटोकॉल आएगा कि ब्लैक कपड़ा पहनकर इजाजत नहीं दी जाएगी, लेकिन प्रधानमंत्री से कोई नाराजगी नहीं है, पर इस बात का जरूर दुख है कि काफी दूर से आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं देख पाए। कहाँ से आए आप? बोईसर से आए और अंदर नहीं जा रहे हो आप? काला शर्ट पहने। पता नहीं था? नहीं, हमको मालूम नहीं। क्या बोल रही है पुलिस, ब्लैक शर्ट क्यों नहीं इजाजत है भाई? क्या मालूम, नहीं बोले, नहीं जाने अंदर जा रहे हैं। आप तो बीजेपी का इतना प्यार से आपने पट्टा भी पहन रखा है, तो क्या करेंगे, नहीं जाने देने तो क्या करेंगे आप? अच्छा, अब क्या आपको नहीं जाने दिया? नहीं, पीएम मोदी को देखने आए थे? हाँ। कहाँ से आए हो? हम तो आए पालघर से। अच्छा, देखिए, ये भावना है लोगों की कि देखने की इच्छा थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने सुनने की इच्छा थी, पर उन्हें पता नहीं था कि काले रंग का शर्ट या काले रंग का ड्रेस पहनने पर उन्हें परमिशन नहीं दी जाएगी, उन्हें अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। दरअसल ये पूरा घटनाक्रम, जो मुंबई में जिस प्रकार से विरोध प्रदर्शन चल रहा है, कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं, काले झंडे दिखाने का एक प्रयास कर सकते हैं, तो पुलिस का अनुमान है कि पालघर में भी ऐसी स्थिति आ सकती है, और इसीलिए जो लोग काले दुपट्टे, काला शर्ट या काले ड्रेस पहनकर आए हुए हैं, उनको कार्यक्रम स्थल पर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। लोगों में इस बात को लेकर दुख जरूर है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से और पोर्सी पोर्ट के जो आधारशिला रखी जाएगी, इससे लोगों में, स्थानीय लोगों में खुशी भी देखी जा रही है। कैमरामैन योगेंद्र गुप्ता के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, पालघर। फॉर एक्सक्लूसिव एंड इनसाइटफुल वीडियोस सब्सक्राइब टू आवर न्यू चैनल एबीपी लाइव प्रीमियम।